हमारा लीवर एवं किडनी जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट अधिक आवश्यक हैं, अथवा शुगर लेवल को मेंटेन रखना। अधिकतर शुगर कंट्रोल करने वाली टैबलेट्स का दुष्प्रभाव लीवर और किडनी पर सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण अधिकतर देखा गया है कि सीरम सेटिनिन की लेवल बढ़ने लगती है और किडनी बीमार होना प्रारंभ हो जाती है। इस स्थिति में शरीर में एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। दूषित पानी मच्छरों के काटने और विभिन्न कारणों से भिन्न तरह के बुखार आना प्रकोप दिखने लगते हैं। इन बुखार को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर हमें पैरासीटामोल देते हैं, जिसका असर लीवर पर होता है और लीवर बीमार होने लगता है, एक नया रोग जन्म ले लेता है। आयुर्वेद में यकृत बीमारियों का भंडार है। आयुर्वेद ऋषियों के अध्ययन के बाद सबलीव ड्रॉप को मार्केट में लाया गया है। जॉन्डिस और लीवर की अन्य बीमारी में सफलतापूर्वक उपचार कर रही है सबलीव ड्रॉप। सबलीव ड्रॉप्स एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत, इसी कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर घाव ठीक करने में सहयोग करती है। सबलीव ड्रॉप्स हेल्थ के लिए हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है और विभिन्न लीवर की समस्या और 10 ml cc का डिटॉक्स हर्सुल आयुर फार्मा द्वारा बेचा जाने वाला। इस सीसी की कीमत की बात करें तो 499 है। सबलीव ड्रॉप की पूरी समस्या और लीवर के पूर्ण डिटॉक्स के लिए एक प्रभावी और किफ़ायती हर्बल मिनरल फॉर्मुलेशन जिगर से संबंधित विभिन्न मुद्दों में सहायक। यह पारंपरिक और पूरी तरह से आयुर्वेदिक हर्बो मिनरल रेसिपी उत्तेजित करने के लिए एक तेज अभिनय शक्तिशाली आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जो यकृत क्षमता बढ़ाता है। सबलीव दवा की संरचना पॉलीक्विनिल टैनिन और फ्लोवोनोइड्स से भरपूर है, जो शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। सबलीव में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड के रूप में प्राकृतिक बायोएक्टिव होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा में सुधार करने में स्टेरॉइड एल्फा टॉक्सिन आदि से मुक्त है और इसमें कोई कृत्रिम स्वाद और रंगीन नहीं है। सबलीव ड्रॉप्स की खुराक की बात करें तो बच्चों को दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना चाहिए। वहीं वयस्क 8 से 10 बूंद दिन में 2 बार ले। इसमें शामिल है मेडिका 1 ml, साइट्रल 16 काली प्रात 2.4 ml, साइपरिया मोनोटा। तरह रूप में होने के कारण इसे आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। Thank you.